मंगलवार देर रात हुई बारिश के चलते कर्णप्रयाग गवालधाम नेशनल हाईवे सिमली पुल के पास मलबा आने से बंद हो गया है, जिससे आवागमन बंद हो गया है। वहीं हाईवे पर आवागमन ठप होने से पर्यटकों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार मलबे में एक बस भी फंसी है। वहीं BRO रोड खोलने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि देर रात से जोशीमठ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग और पोखरी में लगातार बारिश हो रही है। वहीं पोखरी ब्लॉक में बारिश के कारण कलसिन नौली मोटरमार्ग, गुडम नैल मोटरमार्ग विगत 10 दिनों से बंद है, जिससे चार गांव की आवाजाही ठप है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट।